अभी मेमोरी कार्ड में ज़्यादा स्पेस यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी मेमोरी कार्ड में बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। नो इंट्रो नो टाइम पास, डायरेक्ट काम की बात। तो दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि ये जो वाईफाई सीसीटीवी कैमराज होते हैं या फिर 4G सीसीटीवी कैमराज होते हैं, उनके अंदर हम जो मेमोरी कार्ड डालते हैं वहाँ पे कितना दिन का रिकॉर्डिंग होता है। तो इन कैमराज पे आप 32GB, 64GB, 128GB, 512GB इस टाइप का मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन है कि उन कार्ड्स में कितना दिन का रिकॉर्डिंग होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका इस डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। तो ये जो सवाल है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और इसका जो आंसर है इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन कार्ड्स में कितना दिन का रिकॉर्डिंग होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हो गया वीडियो क्वालिटी। तो ये जो कैमराज है इनका वीडियो क्वालिटी अलग अलग होता है, किसी किसी में SD रिकॉर्डिंग होता है, किसी किसी में HD, किसी किसी में Full HD, उसके बाद 2K और 4K वीडियो भी रिकॉर्ड होता है। तो जितना ही वीडियो क्वालिटी इंक्रीज होता रहेगा तो उतना ही मेमोरी कार्ड में कम दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। उसके अलावा डिपेंड करता है फ्रेम रेट, मतलब इन कैमरास का जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो फ्रेम रेट है वो कितना है। हम लोग जो मूवी देखते हैं उनमें फ्रेम रेट होता है 24 FPS, और अभी ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो 29 FPS पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन ये जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं ये कम FPS में रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे कि हो गया 10 FPS, 20 FPS, 25 FPS, इस टाइप का FPS में रिकॉर्ड करता है। तो जितना ज्यादा FPS होगा उतना कम दिन का रिकॉर्डिंग होगा, और FPS कम होगा तो ज्यादा दिन का रिकॉर्डिंग करेगा। तो एक तो हो गया वीडियो क्वालिटी, दूसरा वाला हो गया फ्रेम रेट या फिर FPS, और तीसरा वाला हो गया बिट रेट, मतलब ये जो कैमराज है ये वीडियो को कितना कंप्रेस करते हैं। तो उसके लिए ये कैमराज H.264 या फिर H.265 ऐसे ऐसे अलग फॉर्मेट पे ये वीडियो को सेव करते हैं। तो जो H.264 है उसके मुकाबले में H.265 कम जगह लेता है। तो अगर इन कैमराज पे H.265 है तो ये ज्यादा दिन का रिकॉर्डिंग करेगा, मतलब बिट रेट जितना कम होगा उतना मेमोरी कार्ड में ज्यादा दिन का रिकॉर्डिंग होगा, और अगर बिट रेट ज्यादा होगा तो वीडियो क्वालिटी अच्छा होगा और कम दिन का रिकॉर्डिंग होगा। तो मेमोरी कार्ड में कितना दिन का रिकॉर्डिंग होगा वो डिपेंड करता है वीडियो का क्वालिटी के ऊपर, FPS के ऊपर, बिट रेट के ऊपर। उसके अलावा भी और भी फैक्टर्स है, जैसे कि कैमरा के सामने क्या है वो भी डिपेंड करता है, और कैमरा के सामने कितना मूवमेंट हो रहा है वो भी डिपेंड करता है। अगर कैमरा के सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट है तो ये मेमोरी कार्ड में ज्यादा स्पेस लेगा और जल्दी मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा। मान लीजिए इन कैमराज को अगर आप रास्ते के पास लगाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे लोग होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, तो उस मामले में मेमोरी कार्ड जल्दी फुल हो जाएगा। और अगर आप इन कैमराज को एक रूम पे लगाते हैं जहां पे कोई भी कलर नहीं है, सिर्फ सफेद वॉल है, तब ये मेमोरी कार्ड में बहुत दिन का रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो अभी कैमरा के सामने सिर्फ मैं हूं तो इसलिए मेमोरी कार्ड में ज्यादा स्पेस नहीं ले रहा है, लेकिन अगर मैं इस लाइट को यहां पे रख देता हूं तो मेमोरी कार्ड में ज्यादा स्पेस यूज होगा, और अभी और भी स्पेस यूज हो रहा है। और अगर मैं हट जाता हूँ तो अभी सिर्फ एक व्हाइट वॉल है, तो अभी बहुत ही कम स्पेस यूज हो रहा है। उसके अलावा कैमरा के सामने कितना मूवमेंट है वो भी डिपेंड करता है। तो अभी मैं कैमरा के सामने कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए मेमोरी कार्ड में ज्यादा स्पेस यूज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा मूवमेंट करता हूँ तो मेमोरी कार्ड बहुत ही जल्दी फुल हो जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है। उसके अलावा और एक फैक्टर है, मतलब ये जो कैमराज है ये कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर मोशन डिटेक्शन पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। अगर मोशन पर ये रिकॉर्डिंग करते हैं तो मेमोरी कार्ड में बहुत दिनों तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करते हैं तो मेमोरी कार्ड जल्दी से फुल हो जाएगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मोशन डिटेक्शन पे जब कैमरा के सामने कोई हरकत होता है तभी रिकॉर्डिंग शुरू होता है, लेकिन कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग पे कैमरा के सामने कोई है या ना हो कैमरा रिकॉर्डिंग करता ही रहता है, इसीलिए कार्ड जल्दी फुल हो जाता है। तो इसीलिए ये वाला सवाल बहुत ही बड़ा था और इसका आंसर भी मुश्किल है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वीडियो का क्वालिटी, FPS, बिट रेट, उसके अलावा कैमरा के सामने क्या क्या है, कितना चीज है, और मूवमेंट कितना है, कलर्स कितना है, वो सब भी डिपेंड करता है। फिर भी आपको एक एस्टिमेट देने के लिए मैं आपको बोल देता हूँ, जो 32GB का मेमोरी कार्ड है उसमें आप मान लीजिए 3 डेज का रिकॉर्डिंग होगा, और जो 64GB का मेमोरी कार्ड है उसमें 6 डेज या फिर 1 वीक का रिकॉर्डिंग होगा, और जो 128GB का मेमोरी कार्ड है उसमें 15 डेज से लेकर 30 डेज का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।